नमस्कार आदाब, मैं शिवम झा, स्वागत है आपका हेडलाइंस पटना में। आइए डालें आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर। पहली हेडलाइन, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास। 28 दिसंबर 2017 और 27 दिसंबर 2018 को लोकसभा से पास प्रस्ताव गिर गया था। दूसरी हेडलाइन, लोकसभा में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की दुर्घटना पर विपक्ष ने की नारेबाजी, लगाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा। तीसरी खबर है, कांग्रेस को एक और झटका, गांधी परिवार के करीबी संजय सिंह का राज्यसभा से इस्तीफा, भाजपा में होंगे शामिल। चौथी खबर है, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का स्थान लेंगे राजीव कुमार, 1984 बैच के आईएएस हैं। पांचवी हेडलाइन है, बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ को 8 महीने के लिए किया निलंबित, डोपिंग के दोषी पाए गए थे। छठी खबर है, सीज फायर वायलेशन में सेना का एक जवान सहित जवाबी कार्रवाई में 2 पाक सैनिक मारे। सातवीं खबर, बिहार में चल रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद व्हाट्सएप ग्रुप, देश के खिलाफ उगला था जहर, साइबर सेनानी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आठवीं और आखिरी खबर है, एसबीआई ने जमा पर ब्याज घटाया 189 दिन तक के डिपॉजिट पर 0.50 से 0.75% तक कमी। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनवो न्यूज के साथ।